नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपको एक चीज़ दिखाने का मन होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इस सड़क पर अभी निर्माण स्टार्ट हुआ है, काम चालू है। आधी रोड बनी हुई है, आधी अभी का काम कप्पे कंक्रीट डलने बाकी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो मैं आपको इस रोड में दिखाने वाला हूँ, उसको देख के आप भी हैरान होंगे कि जो भी डिपार्टमेंट इसको, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद इसको बना रहा है, एमसीएफ के अंडर में रोड आती है, जो भी ठेकेदार या भी इंजीनियर जो भी इसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इस चीज़ का लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। अभी साइकिल यहाँ से निकलती हुई देखी आपने, अब देखिए जहाँ पे मैं चल के आया वो भी ठीक रोड थी, बीच में ये रास्ता ख़राब और सामने एक रोड, यहाँ पे रोड ठीक है, ख़त्म हो गई है, बीच में ये खाली है और सामने ये रोड बना दी गई है। अब इस जो बीच में जो जगह इन्होंने छोड़ी है खाली, उसके पीछे क्या लॉजिक है? अगर हम कंटिन्यू रोड बनाते हुए आ रहे हैं, जो सामने से लोग चल के आ रहे हैं, जहाँ से यह पूरी रोड बनती हुई आ रही है, अगर ख़त्म होना तो यहाँ ख़त्म कर देते इसको, लेकिन आगे भी बिल्कुल प्लेन सरफेस एरिया बनाया है, लेकिन बीच में ये छोड़ दिया है। मैं भी काफ़ी देर तक हूँ, जब इस सामने जो मेन रोड है यहाँ से गुजर रहा था मैं, ये हमारा सेक्टर 6 का एरिया आता फरीदाबाद के अंदर, इंडस्ट्री एरिया, जो लेफ्ट साइड में जो आप कंपनी देख रहे हैं, ये लखानी का यहाँ पर वेयर हाउस है, उसके साथ वाली रोड है ये। अब लोग निकल के जा रहे हैं, देख रहे हैं, अब ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि इसको खाली छोड़ा क्यों। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आता है कि इसको खाली छोड़ा क्यों, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि उस इंजीनियर की क्या सोच हो सकती है जिसने खाली छोड़ा है। चलो इंजीनियर ना हो, जो कंपनी इस टेंडर जिसने ले रखा है, जो इस पर इंजीनियर काम कर रहे हैं, उनकी क्या सोच थी कि इसी पोर्शन को खाली छोड़े और आगे एक प्रॉपर सरफेस वाला एक रोड तैयार कर दें, लेकिन बीच में क्यों छोड़ें? इसको बीच में छोड़ने से जॉइंट आएंगे, जॉइंट आने पे रोड ख़राब होगी और फिर ये टूटेगी। लेकिन आप लोगों के अगर समझ में आता है कि इसको इस तरह गैप देने के पीछे क्या लॉजिक है, तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर। फिर दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे नई किसी वीडियो में, लेकिन लॉजिक आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।